ओम शांति। 17 जनवरी 2023 के साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला में आए हो अपनी ऊंची तकदीर बनाने। तुम्हें निराकार बाप से पढ़कर राजाओं का राजा बनना है। पहला प्रश्न, कई बच्चे हैं भाग्यशाली लेकिन बन जाते हैं दुर्भाग्यशाली, कैसे? उत्तर, वे बच्चे भाग्यशाली हैं जिन्हें कोई भी कर्म बंधन नहीं है, अर्थात कर्म बंधन मुक्त है। परंतु फिर भी यदि पढ़ाई में अटेंशन नहीं देते, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है। एक बाप जिससे इतना भारी वर्षा मिलता उसे याद नहीं करते हैं तो भाग्यशाली होते भी दुर्भाग्यशाली ही कहेंगे। दूसरा प्रश्न, श्रीमत में कौन कौन से रस भरे हुए हैं? उत्तर, श्रीमत ही है जिसमें मात पिता, टीचर, गुरु सबकी मत इकट्ठी है। श्रीमत जैसे सैक्रीन है जिसमें ये सब रस भरे हुए हैं। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, मनुष्य जब गीता सुनाते हैं तो श्री कृष्ण का नाम लेकर सुनाते हैं। यहाँ तो जो सुनाते हैं कहते हैं शिव भगवान उवाच, खुद भी कह सकते हैं शिव भगवान उवाच, क्योंकि शिव बाबा स्वयं ही बोलते हैं। दोनों इकट्ठे भी बोल सकते हैं। बच्चे तो दोनों के हैं, बच्चे और बच्चियां दोनों बैठे हुए हैं। तो कहते हैं बच्चे समझते हो कि कौन पढ़ाते हैं? कहेंगे बाप दादा पढ़ाते हैं। बाप बड़े को, दादा छोटे को, अर्थात भाई को कहा जाता है, तो बाप दादा इकट्ठा कहा जाता है। अब बच्चे भी जानते हैं कि हम स्टूडेंट हैं, स्कूल में स्टूडेंट बैठे ही हैं तकदीर बनाने के लिए कि हम पढ़कर फलाना इम्तिहान पास करेंगे। वह जिस्मानी इम्तिहान तो बहुत होते हैं, यहाँ तुम बच्चों की दिल में है कि हमको बेहद का बाप परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। बाप इस ब्रह्मा को नहीं कहते हो, निराकार बाप समझाते हैं। तुम जानते हो हम बाप से राजयोग सीख राजाओं का राजा बनते हैं। राजाएं भी होते हैं और फिर राजाओं के राजाएं भी होते हैं। जो राजाओं के राजाएं हैं उन्हों को राजाएं भी पूजते हैं। यह रिवाज भारत खंड में ही है। पतित राजाएं पावन राजाओं को पूजते हैं। बाप ने समझाया है, महाराजा बड़ी प्रॉपर्टी वाले को कहा जाता है, राजे लोग छोटे होते हैं। आजकल तो कोई कोई राजाओं की महाराजाओं से भी जास्ती प्रॉपर्टी होती है, कोई कोई साहूकारों को राजाओं से भी जास्ती प्रॉपर्टी होती है। वहां ऐसे अनलॉफुल नहीं होता, वहां तो सब कुछ कायदे अनुसार होगा। बड़े महाराजा पास बड़ी प्रॉपर्टी होगी। तो तुम बच्चे जानते हो हमको बेहद का बाप बैठ पढ़ाते हैं। परमात्मा बिगड़ राजाओं का राजा, स्वर्ग का मालिक कोई बना नहीं सकता। स्वर्ग का रचयिता है ही निराकार बाप, उनका नाम भी गाते हैं, हेवनली गॉड फादर। बाप साफ समझाते हैं, मैं तुम बच्चों को फिर से स्वराज्य देकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। अब तुम जानते हो हम तकदीर बनाकर आए हैं बेहद के बाप से राजाओं का राजा बनने। कितनी खुशी की बात है, बड़ा भारी इम्तिहान है। बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलो, इसमें मात पिता, टीचर, गुरु आदि सबकी मत इकट्ठी है, सबकी सैक्रीन बनी हुई है, सभी का रस एक में भरा हुआ है, सबका साजन एक है। पतित से पावन बनाने वाला वह बाप ठहरा। गुरु नानक ने भी उनकी महिमा की है तो जरूर उनको याद करना पड़े। पहले वह अपने पास ले जाएगा, फिर पावन दुनिया में भेज देगा। कोई भी आए तो उनको समझाना है ये गॉडली कॉलेज है, भगवान उवाच। और स्कूलों में तो कभी भगवान उवाच नहीं कहेंगे। भगवान है ही निराकार, ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तुम बच्चों को बैठ पढ़ाता हूँ, ये गॉडली नॉलेज है। सरस्वती को गॉडेस ऑफ नॉलेज कहते हैं।
तो जरूर गॉडली नॉलेज से गॉड गॉडेस ही बनते होंगे, बैरिस्ट्री नॉलेज से बैरिस्टर ही बनेंगे। ये है गॉडली नॉलेज, सरस्वती को गॉड ने नॉलेज दी है, तो जैसे सरस्वती गॉडेस ऑफ नॉलेज है, वैसे तुम बच्चे हो। सरस्वती को बहुत बच्चे हैं ना, परंतु हर एक गॉडेस ऑफ नॉलेज कहलाए जाए ये नहीं हो सकता। इस समय अपने को गॉडेस नहीं कह सकते, वहां भी तो देवी देवताएं ही कहेंगे। गॉड नॉलेज बरोबर देते हैं, लेसन ऐसे धारण कराते हैं, ये मर्तबा देते हैं बड़ा। बाकी देवताएं गॉड गॉडेस तो हो नहीं सकते, ये मात पिता तो जैसे कि गॉड गॉडेस हो जाते, परंतु हैं तो नहीं ना। निराकार बाप को गॉड फादर कहेंगे, इन अर्थात साकार को गॉड थोड़े ही कहेंगे। ये बड़ी गुह्य बातें हैं, आत्मा और परमात्मा का रूप और फिर संबंध, कितनी गुह्य बातें हैं। वह जिस्मानी संबंध काका चाचा मामा आदि तो कॉमन है, ये तो है रूहानी संबंध। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, मात पिता अक्षर गाते हैं तो जरूर कोई अर्थ है ना, वह अक्षर अविनाशी बन जाता है, भक्ति मार्ग में भी चला आता है। तुम बच्चे जानते हो हम स्कूल में बैठे हैं, पढ़ाने वाला ज्ञान सागर है, इनकी आत्मा भी पढ़ती है। इस आत्मा का बाप वह परमात्मा है जो सभी का बाप है, वह पढ़ाते हैं। उनको गर्भ में तो आना नहीं है, तो नॉलेज कैसे पढ़ाएं? वे आते हैं ब्रह्मा के तन में। उन्होंने फिर ब्रह्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, ये भी ड्रामा में है। कुछ भूल हो तब तो बाप आकर इस भूल को करेक्ट कर अभूल बनाए। निराकार को न जानने कारण ही मूंझ गए हैं। बाप समझाते हैं, मैं तुम्हारा बेहद का बाप, बेहद का वर्षा देने वाला हूँ। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने ये कोई भी नहीं जानते, जरूर कोई ने तो कर्म सिखाए होंगे ना, और वह भी जरूर बड़ा होगा जो इतना ऊंच पद प्राप्त कराया। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, बाप कितना प्यार से समझाते हैं, कितनी बड़ी अथॉरिटी है, सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने वाला मालिक है। समझाते हैं ये बना बनाया ड्रामा है, तुमको चक्र लगाना होता है। इस बनावट को कोई भी जानते नहीं, ड्रामा में कैसे हम एक्टर्स हैं, ये चक्र कैसे फिरता है, दुख धाम से सुख धाम कौन बनाते हैं ये तुम जानते हो। तुमको सुख धाम के लिए पढ़ाता हूँ, तुम ही किस जन्मों के लिए सदा सुखी बनते हो, और कोई वहां जा ना सके। सुख धाम में जरूर थोड़े मनुष्य होंगे, समझाने लिए पॉइंट्स बहुत अच्छी चाहिए। कहते तो हैं बाबा हम आपके हैं, परंतु पूरा बनने में टाइम लगता है। कोई का कर्म बंधन झट छूट जाता है, कोई को टाइम लगता है। कहीं तो ऐसे भाग्यशाली भी हैं जिनका कर्म बंधन टूटा हुआ है, परंतु पढ़ाई में अटेंशन नहीं देते हैं, तो उनको कहा जाता है दुर्भाग्यशाली। पुत्र पोत्रे धोत्रे आदि में बुद्धि चली जाती है, यहाँ तो एक को ही याद करना है, बहुत भारी वर्षा मिलता है। तुम जानते हो हम राजाओं के राजा बनते हैं, पतित राजाएं कैसे बनते हैं और पावन राजाओं के राजा कैसे बनते हैं, वह भी बाप तुमको समझाते हैं। मैं स्वयं आकर राजाओं का राजा स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ इस राजयोग से। वे पतित राजाएं तो दान करने से बनते हैं, उन्हों को मैं थोड़ी ही आकर बनाता हूँ। वे बहुत दानी होते हैं, दान करने से राजाई कुल में जन्म लेते हैं। मैं तो 21 जन्मों के लिए तुमको सुख देता हूँ, वे तो एक जन्म के लिए बनते सो भी पतित दुखी रहते हैं। मैं तो आकर बच्चों को पावन बनाता हूँ। मनुष्य समझते हैं सिर्फ गंगा स्नान करने से पावन बनते हैं, कितने धक्के खाते हैं, गंगा जमुना आदि की कितनी महिमा करते हैं।
अब इसमें महिमा की तो बात ही नहीं, पानी सागर से आता है। ऐसे तो बहुत नदियां हैं, विलायत में भी बड़ी बड़ी नदियां खोद कर बनाते हैं। इसमें क्या बड़ी बात है, ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं कौन है ये तो जानते ही नहीं। शक्तियों ने क्या किया, कुछ भी जानते नहीं। वास्तव में ज्ञान गंगा अथवा ज्ञान सरस्वती ये जगदम्बा है, मनुष्य तो जानते ही नहीं, जैसे भील हैं, बिल्कुल ही बुद्धू बेसमझ हैं। बाप आकर बेसमझ को कितना समझदार बनाते हैं। तुम बता सकते हो इन्हों को राजाओं का राजा किसने बनाया? गीत में भी है, मैं राजाओं का राजा बनाता हूँ। मनुष्य तो ये जानते नहीं, हम खुद भी नहीं जानते थे। ये जो खुद बना था अब नहीं है, वही नहीं जानता तो और फिर कैसे जान सकते। सर्वव्यापी के ज्ञान में कुछ भी है नहीं। योग किसके साथ लगाएं, पुकारें किसको, खुद ही खुदा है, फिर प्रार्थना किसकी करेंगे। बड़ा वंडर है, बहुत भक्ति जो करते हैं उनका मान होता है। भक्त माला भी है ना, ज्ञान माला है, रुद्र माला, ये फिर भक्त माला, वह है निराकारी माला। सभी आत्माएं वहां रहती हैं, उनमें भी पहला नंबर आत्मा किसकी है जो नंबर वन में जाते हैं। सरस्वती की आत्मा व ब्रह्मा की आत्मा नंबर वन पढ़ती है, ये आत्मा की बात है। भक्ति मार्ग में तो सब जिस्मानी बातें हैं, फलाना भक्त ऐसा था, उनके शरीर का नाम लेंगे, तुम मनुष्य को नहीं कहेंगे। तुम जानते हो ब्रह्मा की आत्मा क्या बनती है, वह जाकर शरीर धारण कर राजाओं का राजा बनते हैं। आत्मा शरीर में प्रवेश कर राज्य करती है, अभी तो राजा नहीं है, राज्य करती तो आत्मा है ना। मैं राजा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर का मालिक हूँ, अहम आत्मा। शरीर का नाम श्री नारायण धराए, फिर राज्य करेंगे। आत्मा ही सुनती और धारण करती है, आत्मा में संस्कार रहते हैं। अब तुम जानते हो हम बाप से राजाई लेते हैं, श्रीमत पर चलने से। बाप दादा दोनों मिलकर कहते हैं बच्चे, दोनों को बच्चे कहने का हक है। आत्मा को कहते हैं निराकारी बच्चे, मुझ बाप को याद करो। और कोई कह ना सके कि हे निराकारी बच्चे, हे आत्माएं, मुझ बाप को याद करो। बाप ही आत्माओं से बात करते हैं, ऐसे तो नहीं कहते हे परमात्मा मुझ परमात्मा को याद करो, कहते हैं हे आत्माएं मुझ बाप को याद करो। तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, बाकी गंगा स्नान से कभी कोई पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बन सकते। गंगा स्नान कर फिर घर में आकर पाप करते हैं, इन विकारों के कारण ही पाप आत्मा बनते हैं, ये कोई समझते नहीं। बाप समझाते हैं कि अब तुमको राहु का कड़ा ग्रहण लगा हुआ है, पहले हल्का ग्रहण होता है, अब दे दान तो छूटे ग्रहण। प्राप्ति बहुत भारी है तो पुरुषार्थ भी ऐसे करना चाहिए ना। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा, इसलिए मुझे और वर्षे को याद करो, अपने 84 जन्मों को याद करो। इसलिए बाबा ने नाम ही रखा है स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे, तो स्वदर्शन का ज्ञान भी चाहिए ना। बाप समझाते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, तुमको मैं नई दुनिया में ले चलता हूँ। सन्यासी सिर्फ घर बार को भूलते हैं, तुम सारी दुनिया को भूलते हो। ये बाप ही कहते हैं कि अशरीरी बनो, मैं तुमको नई दुनिया में ले चलता हूँ। इसलिए पुरानी दुनिया से, पुराने शरीर से ममत्व तोड़ो, फिर नई दुनिया में तुमको नया शरीर मिलेगा। देखो श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, सत्ययुग में वह गोरा था, अब अंतिम जन्म में काला हो गया है, तो कहेंगे ना श्याम ही सुंदर बनता है, फिर सुंदर से श्याम बनता है, तो नाम रख दिया है
श्याम सुंदर काला बनाते हैं, पांच विकार रावण और फिर गोरा बनाते हैं परम पिता परमात्मा। चित्र में भी दिखाया है कि मैं पुरानी दुनिया को लात मार गोरा बन रहा हूँ। गोरी आत्मा स्वर्ग की मालिक बनती है, काली आत्मा नरक की मालिक बनती है। आत्मा ही गोरी और काली बनती है। अब बाप कहते हैं तुमको पवित्र बनना है। वह हठ योगी पवित्र बनने के लिए बहुत हठ करते हैं, परंतु योग बिगड़ तो पवित्र बन ना सके। या तो सजाएं खाकर पवित्र बनना पड़े, इसलिए बाप को क्यों ना याद करें और पांच विकारों को भी जीतना है। बाप कहते हैं ये काम विकार ही आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। जो विकारों को नहीं जीत सकते वे वैकुंठ के राजा थोड़े ही बन सकते हैं। इसलिए बाप कहते हैं देखो मैं तुमको कितने अच्छे कर्म सिखाता हूँ, बाप टीचर सतगुरु रूप में। योग बल से विकर्म विनाश कराए विकर्माजीत राजा बनाता हूँ। वास्तव में सत्यु के देवी देवताओं को ही विकर्माजीत कहा जाता है, वहां विकर्म तो होते नहीं। विकर्माजीत संवत और विक्रम संवत अलग अलग है। एक राजा विक्रम भी होकर गया है और विकर्माजीत राजा भी हो गया है। हम अभी विकर्मों को जीत रहे हैं, फिर द्वापर से नए सिर विकर्म शुरू होते हैं, तो नाम रख दिया है राजा विक्रम। देवताएं हैं विकर्माजीत, अभी हम वे बनते हैं। फिर जब वाम मार्ग में आते हैं तो विकर्मों का खाता शुरू हो जाता है। यहाँ विकर्मों का खाता चुक तो कर फिर हम विकर्माजीत बनते हैं। वहां कोई विकर्म होते नहीं, तो बच्चों को यह नशा होना चाहिए कि हम यहाँ ऊंच तकदीर बनाते हैं। ये है बड़े ते बड़ी तकदीर बनने की पाठशाला। सत्संग में तकदीर बनने की बात नहीं रहती, पाठशाला में हमेशा तकदीर बनती है। तुम जानते हो हम नर से नारायण अथवा राजाओं का राजा बनेंगे। बरोबर पतित राजाएं पावन राजाओं को पूजते हैं। मैं तुमको पावन बनाता हूँ, पतित दुनिया में तो राज्य नहीं करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलत है बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते और शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बुद्धि में सुदर्शन चक्र का ज्ञान रख, राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। श्रेष्ठ कर्म और योग बल से विकर्मों का खाता चुकतू कर विकर्माजीत बनना है। दूसरा पॉइंट, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। वरदान, बाह्य मुक्ता के रसों की आकर्षण के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त भव। स्पष्टीकरण, बाह्य मुक्ता अर्थात व्यक्ति के भाव स्वभाव और व्यक्त भाव के वाइब्रेशन संकल्प बोल और संबंध संपर्क द्वारा एक दो को व्यर्थ की तरफ उकसाने वाले, सदा किसी न किसी प्रकार के व्यर्थ चिंतन में रहने वाले, आंतरिक सुख शांति और शक्ति से दूर। ये बाह्य मुक्ता के रस भी बाहर से बहुत आकर्षित करते हैं, इसलिए पहले इसको कैंची लगाओ। ये रस ही सूक्ष्म बंधन बन सफलता की मंजिल से दूर कर देते हैं। जब इन बंधनों से मुक्त बनो तब कहेंगे जीवन मुक्त। स्लोगन, जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से मुक्त साक्षी व रहम दिल हैं वही तपस्वी हैं। ओम शांति।